वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, जिसमें हमने प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको कराई थी। प्रतिरोध बताया था, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। इसके बाद आगे की कहानी समझते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, तो उस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने जो वर्ड आपको बोला प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो हम सबको मालूम है प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या? रुकावट, है ना। चलो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप मुझे बताओ इस दुनिया में कोई चीज, पहले आप ये बताओ, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली जाके बाद में पैसा कमाना चाहते हैं, कितना? बहुत। ये बहुत क्या होता है? बहुत का तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता ना। अगर मैं पूछूं कितना कमाना चाहते हो, तो आप बोलते हो ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। इस दुनिया में कोई भी चीज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। और कम से कम? हाँ, जीरो। कम से कम? जीरो। कभी भी कोई पूछे कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो इनफाइनाइट और कम से कम जीरो। तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नली है, नली जाम है, नली समझते हैं ना, गटर। नली जाम है, जाम है, इसका मतलब रुकावट बहुत ज्यादा है। रुकावट बहुत ज्यादा है यानी रुकावट को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, है ना, है ना। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब नली जाम है तो इसका मतलब रुकावट बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, है ना। और ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कितनी हो सकती है? अनंत, है ना। और नली बढ़िया चल रही है, बढ़िया बह रही है, तो इसका मतलब रुकावट कितनी है? जीरो। प्रतिरोध कितना है? जीरो। तो समझने की कोशिश करना। हमें मालूम है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक चालक और एक कुचालक। चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें धारा बढ़िया बहती है, यानी रुकावट है या नहीं है? हाँ, रुकावट नहीं है। जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, तो चूंकि उनमें रुकावट नहीं है, यानी रुकावट जीरो है। रुकावट जीरो है यानी क्या जीरो है? प्रतिरोध। जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए प्रतिरोध शून्य होता है। और जो कुचालक पदार्थ होते हैं, अब हमें मालूम है कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा बहती नहीं है, धारा बह नहीं पाती, यानी धारा जाम हो गई, धारा बह नहीं पा रही है। बोलो भैया, धारा नहीं बह पा रही है, इसका मतलब रुकावट ज्यादा है, और रुकावट ज्यादा है इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, और प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? अनंत। तो कुचालक पदार्थ जितने भी होते हैं उनके लिए प्रतिरोध अनंत होता है। रटने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ गए? तो किसी ने भी पूछा जितने भी चालक या सुचालक पदार्थ है उनके लिए प्रतिरोध कितना होता है? तो जीरो। तो प्रतिरोध जीरो क्यों बोला, बात समझ में आई? और जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। अगला नोट यही है, पढ़ लें फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक ओम से आप क्या समझते हैं? क्या? एक ओम से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं एक ओम से हम क्या समझते हैं। भैया वाली हमने ताजा ताजा पढ़ो है, आर बराबर वी अपॉन आई पढ़ा है, पढ़ा था हमने। वी विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट। आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, है ना। और एक प्रतिरोध का एक मात्रक हमने डायरेक्ट पढ़ा था ओम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। उसे पूछ रहा है एक ओम से आप क्या समझते हो। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये चालक है, चालक के सिरों पर आप विभवांतर आरोपित करते थे बैटरी लगाकर, और इसमें धारा बहती थी, ये सब बताया था आपको। अब मुझे एक ओम की परिभाषा पूछ रहा है, आर बराबर एक ओम। अब इस परिभाषा को बनाने के लिए, परिभाषा बनाना हमको आता है, अच्छे अच्छे इनकी परिभाषा बना दें, बना देंगे नहीं बना दें? किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए चीजों को वन 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 मान लिया करते हैं। तो अगर मैं यहां पर V बराबर वन वोल्ट और I बराबर एक एम्पियर रख दूं, तो देखो जरा क्या हो जाएगा। V की जगह मैंने रख दिया एक वोल्ट, I की जगह मैंने रख दिया एक एम्पियर। तो R बराबर वन अपॉन वन वन, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? ओम। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर की जगह मैंने ओम चिपका दिया। आर बराबर एक ओम, तो आर बराबर एक ओम कब आया? जब अपन ने ये कर्म किए, अपन ने क्या कर्म किया? विभवांतर लगाया एक वोल्ट। एक वोल्ट का विभवांतर कहां लगाया है? चालक के सिरों पर। और एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर धारा कितनी बह रही है? एक एम्पियर। यानी कहने का तात्पर्य है, चालक के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। क्लियर है? क्लियर। फिर से बोल रहा हूँ, चालक के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। उम्मीद करता हूं परिभाषा समझ गए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं,
चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सीन क्लियर है? फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया जा रहा है और उस सवाल में बच्चों हमसे वो बोल रहा है कि एक चालक है, ठीक है, और इस चालक के सिरों पर हमने बैटरी लगा दी। अब वो कह रहा है इस चालक के सिरों पर मैंने सबसे पहले 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया है और 3 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद मैंने इसका विभव 3 वोल्ट से बढ़ाकर 4.5 वोल्ट कर दिया। कह रहा है ऐसा प्रश्न में कह रहा है किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट से बढ़ाकर 4.5 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी धारा में वृद्धि हो जाती है, धारा में जो परिवर्तन हो जाता है वो 0.5 एम्पियर की वृद्धि हो जाती है धारा में। तो कह रहा है चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ रहा है? वो कह रहा है चालक के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी धारा में वृद्धि 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है मुझसे। क्या पूछ रहा है बच्चों? चालक का प्रतिरोध। सीन क्लियर है? प्रश्न क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए चमकाते हैं इसको। बचपन में पढ़ा था R बराबर रवि, बोलो भैया, इसे इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी विभव में परिवर्तन, डेल्टा आई धारा में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन, पहले विभव वी वन था बाद में वी टू हो गया है ना, तो विभव में परिवर्तन ऐसे लिखू वी टू माइनस वी वन बटे डेल्टा आई। अब वी टू कितना है हमारे पास? 4.5। वी वन कितना है हमारे पास? 3। और धारा में परिवर्तन कितना दिया है हमको? 98.5। 4.5 में थे 3 गए तो 1.5, 4.5 माइनस 3 1.5, 98। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट हटा दो, 5 एकम 5, 5 3 15, R बराबर हमारा आ गया 3। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी को। फटाफट नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता अथवा चालकता से आप क्या समझते हैं? तो भैया सीधा सा बंडा है, प्रतिरोध का मतलब बताओ, प्रतिरोध का मतलब रुकावट और चालकता का मतलब चलावट है ना। रुकावट और चलावट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया चालकता से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे वैसे बोलते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं, इसलिए हम इसे अक्षर सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर 1/R। तो परिभाषा बन जाएगी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे अक्षर सी से प्रदर्शित करते हैं। अब R प्रतिरोध है, हमने पढ़ा था प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक कैसे लिखूं? 1/ओम, या ओम ऊपर ले जाऊंगा तो ओम इनवर्स, कुछ लोग इसे 1/ओम इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं ओम, ठीक है, चाहूं तो ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं ओम इनवर्स, ये सब करेक्ट है, या फिर ओम को ऊपर ले जाऊं तो स्पेलिंग पलट देते हैं तो ये हो जाएगा MHO, यानी हम इसे महो भी बोलते हैं। क्लियर? और एक और मात्रक होता है इसका साइमन। क्लियर? तो ये सब चालकता के मात्रक हैं। ज्यादा दिमाग पढ़ने पूरे हैं पर आपको एटलीस्ट एक ये निकाल सकते हैं ना हम लोग फॉर्मूले से। क्लियर? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो चालकता अगर किसी ने पूछा तो हम बता देंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सीन क्लियर है? चलो फटाफट पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो भैया इससे पहले कि मैं इस प्रश्न को कराऊं कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लें। ओम का नियम हमने बचपन में पढ़ा था, वी समानुपाती आई पढ़ते थे, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, फिर समानुपाती हटाते थे तो नियतांक लाते थे, तो फिर आप कहते थे R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बचपन में जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे ऐसे ही तो पढ़ाया गया था, यस और नो? आज हम लोग इस ओम के नियम को बहुत डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो हमें मालूम है ओम का नियम होता है V बराबर IR, R यहाँ पर नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा आपने 10th में पढ़ा था लेकिन आज हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो इससे पहले कि आगे बढ़ूँ कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग बताओ, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा गति का प्रथम समीकरण है ना, तो गति का प्रथम समीकरण आप लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस at, यहाँ पर u जो होता है उसे प्रारंभिक वेग बोलते हैं, v जो होता है उसे अंतिम वेग बोलते हैं,
टी टाइम यानी कि समय और ए त्वरण होता है। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग ये जानते हैं? नहीं जानते तो पता होना चाहिए, इसे गति का प्रथम समीकरण बोलते हैं। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, यहां यू प्रारंभिक वेग है, वी अंतिम वेग है, ए त्वरण है और टी समय है। अब आगे की बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बल, इलेवेंथ में पढ़ा है हमने, बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये भी पढ़ रखा है हमने। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक चालक बनाया हुआ है, ये चालक है भाई, ठीक है, ये चालक, ओहो ये चालक है, ठीक। चालक के सिरों पर मैंने ये सेल लगा दिया, इस सेल से मैं विभवांतर लगा रहा हूं और ये इसमें धारा बह रही है, ये धन ये ऋण। धारा का प्रभाव हमेशा धन से ऋण की ओर होता है। ये चालक की हमारी लंबाई हो गई और बताओ ये चालक का क्या है? हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धन से ऋण धारा ऐसे बह रही है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, सही बोल रहा हूं? अच्छा, सुना है चालक छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये मैंने बढ़िया बीआईपी छोटे छोटे परमाणु बना दिए। कौन बना दिए? परमाणु। सुना है परमाणु धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बनता है, तो ये धन ऋण, धन ऋण। उम्मीद करता हूं ये सब बातें रोज पढ़ा रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? तो जब मैंने आपको अनुगमन वेग वगैरह पढ़ाया था तो सब बताया था ये, तो गौर से देखिएगा सब लोग बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऋण आवेश है ना, उसे आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगता है? एहे या एहे? हाँ, एहे लगता है ना, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है इस पर, सही बोल रहा हूं? कितना बल लगता है? तो आप बोलते थे फेंकें, एफ बराबर क्यू ई, सही बोल रहा हूं? अच्छा, ये जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे तो क्यू की जगह ई लिख दूं और ये कैपिटल ई। जो बोला आपको समझ में आया? आया, अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चालक है, इस चालक में बहने वाली धारा का सूत्र निकाला था बेटा हमने आज से कुछ दिनों पहले, आई बराबर एन ई ए वी डी। बोलो भैया, आई बराबर एन ई ए वी डी। एन इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वी डी अनुगमन वेग है। तो आई बराबर एन ई ए, अब आप गौर से देखिएगा, वी डी अनुगमन वेग है, तो हमें ये मालूम है गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, अब हम सभी को गति का प्रथम समीकरण मालूम है, v बराबर u प्लस at, सही जा रहा हूं? अब आप गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गति करता? नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता तो इसका वेग कितना होता? शून्य। ये प्रारंभिक वेग है इसका, कितना हो गया? शून्य। लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करने लगा, और इलेक्ट्रॉन जितने वेग से इसमें ये जो गति कर रहे हैं इस तरफ, उसे अनुगमन वेग बोलते हैं। तो अंतिम वेग हमारा क्या हो गया? अनुगमन वेग। क्लियर? प्लस ए, ए त्वरण है, टी समय है। समय समझना यहां पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ऐसे ही आगे के इलेक्ट्रॉन आगे वाले से टकराएंगे, राइट? फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन की, तो इससे पिछले वाला इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराया होगा, ये पहली टक्कर हो गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये इससे टकराया, ये दूसरी टक्कर हो गई। तो इन दोनों टक्करों के बीच में जो समय लगता है, कोई सी भी दो टक्कर नहीं चलेंगी, दो लगातार आने वाली टक्कर, जैसे यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन आया होगा उसने टक्कर मारी होगी, ये पहली टक्कर हो गई, फिर ये इससे आके जड मारेगा, ये दूसरी टक्कर हो गई। तो दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल बोल दो चाहे विश्रांति काल बोल दो, बात एक ही है। क्लियर? कोई पूछता है ओटी वगैरह में पूछ सकता है, श्रांति काल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं, और इसे अक्सर टाऊ से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? टाऊ से। तो समय जो है उसको मैंने क्या लिख दिया? टाऊ। यहां टाऊ समय है। क्लियर? कौन सा समय? श्रांति काल या विश्रांति काल भी बोलते हैं। कोई पूछे विश्रांति काल क्या होता है, तो दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूं ये बात समझ में आई। तो भैया मैंने यहाँ VD की जगह क्या चमका दिया? जीरो लिखने की जरूरत तो है नहीं, ए टाऊ। तो VD की जगह ए टाऊ। सिंक्लियर है? बात समझ में आ रही है? और आगे देखिए, आई बराबर
एन ई ए टाउ, ये तो मैंने लिख दिया, बचा क्या स्मॉल ए त्वरण। तो भैया मुझे मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, कितना लग रहा है समझ में आ रही है, बताया था अभी मैंने, तो इस पर बल लग रहा है क्यू ई। चूंकि ये बल इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इसलिए क्यू की जगह ई लिख दूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू ई। और मैंने सुना है बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा ई ई बटे एम, को नीचे ले आऊंगा तो ए बराबर ई ई बटे एम, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो इस स्मॉल ई की जगह मैंने क्या चिपका दिया यहाँ पर ई ई बटे एम। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को, बोलो भैया और आगे बढ़ते हैं। तो I बराबर देखो n n e इंटू ई ई स्क्वायर ए टाउ बटे m, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बचा e, तो यारों हमने बचपन में पढ़ा था, आप बताओ e v और d क्या संबंध है। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, वेद या e बराबर v बटे d पढ़ा था ना अपन ने, e बराबर v बटे d, d दूरी होती थी तो दूरी को लंबाई भी लिख सकता हूँ l, तो इसलिए e बराबर v बटे l, तो e की जगह v अपॉन l। बात समझ में आ रही है सभी को। अब आप गौर से देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है, याद है तुम्हें क्या करना है, ओम का नियम सिद्ध करना है। ओम का नियम क्या होता है, v बराबर ir, क्या होता है v बराबर ir, तो v तो हमारा ये आ गया v बराबर i, ये आ गया। अब ये जितनी भी कचरा पट्टी बची है उसको इधर सरका दो आई के बगल से, है ना। तो अब गौर से देखो आई ये अपॉन में जितना भी मेल है एम एल उसको सरका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैंची गुणा कर दिया, क्या कर दिया तो आई का गुणा एम एल से किया तो एम एल, ठीक है बराबर आई का गुणा एम एल से हो गया बराबर वी, ये लिख दिया। अब जितना भी मटेरियल ये पड़ा है उसको आई के नीचे ले आया तो ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को, तो ऐसा नहीं लग रहा है वी बराबर आई। अब ये पूरा जो खिचड़ा सा बचा है ये पूरा क्या है, आर ही होगा कहीं ना कहीं, तो मैंने इसे लिखा वी बराबर आई और इस पूरे को मैंने माना है, माना आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो बस एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ई टाउ की जगह मैंने क्या रख दिया आर, ये आ गया ओम का नियम, नहीं है बस माना। यहां पर मैंने इस पूरे को बराबर एक नियतांक के माना है आर, और आर नियतांक है, नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती आएगा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए कहानी क्लियर है। बचपन में जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो आपको ऐसे पढ़ाया था ओम का नियम, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर आपको ये बताया समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, समझ गए। अब उस टाइम पे अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती तो तुम पढ़ाई छोड़ जाते हैं, यस और नो क्लियर है ना। तो जब भी हमेशा ध्यान रखो, आपने देखा होगा काफ़ी सारे सूत्र जब हम स्थापित करते हैं तो समानुपाती हटा के नियतांक लाते हैं, लाते हैं ना। तो वहाँ नियतांक अगर हम लाएं तो कुछ ना कुछ हिडन है जो हमें अभी बताया नहीं गया, समय के साथ बताया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन के लिए धैर्य रखते हैं। 9th-10th में आपने ऐसे पढ़ा, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए तो अब आपको डिटेल में बताया गया कि भाई ये कहानी होती है, समझ पा रहे हैं। जब आप 9th-10th में थे तो इन सब बातों को समझने के लिए कैपेबल नहीं थे, इसलिए नहीं बताया जाता, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी ने भी पूछा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए, तो क्या हम ऐसे कर पाएंगे, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ रहा है। भैया अगर जामेते में विशिष्ट हटाता हूं तो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना होता है बताओ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, रेट ऑर्डर हो बोले भैया, ओके। लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पूछा है, उसने इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है। तो जब भी विशिष्ट आवेश पूछ रहा है इसका मतलब आवेश में द्रव्यमान का भाग लगवा रहा है, काय का भाग लगवा रहा है,
द्रव्यमान का। और पहले ही चैप्टर वन में बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10^-31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जब आप इस पूरी कथा को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.76 गुणा 10^11 कूलाम प्रति किलोग्राम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, 1.76 गुणा 10^11 कूलाम प्रति किलोग्राम। पर ये आया कैसे है, बात समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन के आवेश में द्रव्यमान का भाग लगा दिया, सीन क्लियर है? अगला नोट यही है, पढ़ लो। वैसे ये लास्ट के चैप्टरों में दोबारा आएगा जब इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन वगैरह पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना? फिलहाल इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे आया, समझ में आया? जल्दी से नोट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध करो कि आवेश वाहकों की गतिशीलता। आप बताओ, पहले मैंने इतना पढ़ाया आपको, इसको क्या बोलते थे? पिछले वीडियो में बताया था आवेश वाहकों की गतिशीलता, इसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ई वाई एम क्या है, हवेली 2 मिनट पहले बताया था। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश या विशिष्ट आवेश बोलते हैं, विशिष्ट आवेश यानी आवेश में द्रव्यमान का भाग लग गया, और इसको क्या बोलते हैं, टाउ श्रांति काल। अभी बताया था इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि आवेश वाहकों की गतिशीलता विशिष्ट आवेश एवं श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ये सूत्र सिद्ध करने के लिए कह रहा है। प्रश्न समझ में आया सभी को? वो कह रहा है सिद्ध करो कि आवेश वाहकों की गतिशीलता विशिष्ट आवेश एवं श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। करें शुरुआत, तो चलिए देखते हैं। भैया हवयाल, मैंने आपको ये बात समझाई थी, ये इधर, ये पूरी कहानी समझ में आई आपको? बोलो। तो चलिए करते हैं हम लोग इसे, गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से गौर से देखिएगा सब लोग, है ना? हमें मालूम है आवेश वाहकों की गतिशीलता का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ऐसा अपन ने पढ़ा था जब हमने आवेश वाहकों की गतिशीलता पढ़ी थी। बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। म्यू बराबर अपॉन ई, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है भैया। वी डी अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है भैया गति के प्रथम समीकरण के अनुसार वी बराबर यू प्लस एटी। अगर मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता तो ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, यानी इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रॉन गति करने लगा अनुगमन वेग से, तो अंतिम वेग की जगह वी डी, अवैल भी बताया था, प्लस ए समय की जगह टाउ। तो भैया वी डी बराबर हमारा कितना आ गया, ए टाउ। जीरो लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो डायरेक्ट ए टाउ लिख दूं। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। म्यू बराबर, देखो भैया अभी आप ही ने बताया था ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है क्योंकि इस पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना? तो आपने बोला था सर एफ बराबर क्यू ई, क्योंकि ये बल इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो आवेश इलेक्ट्रॉन का रख दूं ई ई। बल बराबर पड़ा था द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ए बराबर हमारा हो गया ई ई अपॉन एम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो ए की जगह तो मैंने रख दिया, देखो टाऊ बटे ई, तो टाऊ बटे ई जो तो वैसा की वैसा रख दिया। ए की जगह क्या लिख दूं, ई ई अपॉन एम, ई से ई कट गया, तो म्यू बराबर ई वाई एम इंटू टाऊ। स्टेप समझ में आया सभी को? इससे ये बात सिद्ध हो गई, ये समीकरण इस बात को सिद्ध करता है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश और उनके शांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, एक सवाल दे रहा है, और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है कमरे के ताप पर तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल 2.5 गुणा 10^-14 सेकेंड है। आप बताओ श्रांति काल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, टाउ से, है ना? फिर आगे बोल रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है, आवेशवाहक। आवेशवाहकों की गतिशीलता ज्ञात करनी है, यानी क्या ज्ञात करना है? आवेशवाहकों की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी म्यू ज्ञात करना है।
बोलो भैया, आगे कह रहा है e का मान दे रहा है आपको, e बराबर 1.6 गुणा 10^-19 कूलम। जहाँ मैं देखें कौन सा एहसान कर रहा हो जी, तो हमें वैसे ही पता होती। संघ में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको दे रहा है 9.1 गुणा 10^-31 किलोग्राम। क्लियर? तो करें दप्पा, तो देखते हैं भैया है इसको। तो बताओ भाई क्या सूत्र लग रहा है, अव्याली पढ़ा था, आवेश वाहकों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश तथा शांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। चमका दो, अब क्या है, म्यू बराबर ई वाई एम, ई का मान दिया है पट्टों ने, वटे एम कितना है 9.1 गुणा 10^-31। शांति काल आपको दिया ही है 2.5 गुणा 10^-14। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 4.4 गुणा 10^-3, 4.4 गुणा 10^-3 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। सीन क्लियर है? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई वाई एम हमने दोनों की वैल्यू रखी। कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश डायरेक्ट पता होता है, अवेल बताई थी ना ई वाई एम की डायरेक्ट वैल्यू 1.76 गुणा 10^11, वो भी डायरेक्ट लिख सकते थे आप। ठीक है ना, सॉल्व करके यही आता, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फटाफट नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।